जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार रिवीजन के लिए, तो भी सबसे ज्यादा टाइम कौन सी चीज लेके जाती है? अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें पता पड़ेगा यार कैलकुलेशंस जो है सबसे ज्यादा हमारा टाइम लेके चल जाते हैं। तो अगर हमको 3 गुना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने ना एट गिवन टाइम, तो हमें यार 70-30 टेक्निक अपनानी चाहिए। हमें 70% क्वेश्चंस इक्वेशंस लिख के उनके सॉल्यूशन से मैच कर लेने चाहिए कि यार हमने इक्वेशन सही लिखी कि नहीं लिखी और इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 30% क्वेश्चंस जो है वो हमें पूरे एंड तक सॉल्व करने चाहिए। देखिए एग्जाम में हमें रिवीजन में कैलकुलेशंस रिवाइज नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। तो इसलिए 70% क्वेश्चंस बच्चों आप इक्वेशंस लिखो, कैलकुलेशंस का टाइम बचाओ, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, और 30% क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करो ताकि कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस में रहेगी। इसके रिजल्ट्स हमको कमेंट्स में बताइए। ऑल द बेस्ट।